पिछले कई वर्षों से ओबीसी समाज पर आरक्षण को लेकर काफी अन्याय किया जा रहा है, जिससे ओबीसी वर्ग का राजनीतिक सहभाग खतरों में घिरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का सरकार ठीक ढंग से पालन नहीं कर पा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सत्य शोधन यात्रा के मुख्य संयोजक मार्गदर्शक नितिन चौधरी के नेतृत्व में नागपुर जिले के सभी ओबीसी समाज में ओबीसी आरक्षण जन जागृति करने के लिए, साथ ही ओबीसी की आवाज को बुलंद करने के उद्देश्य को लेकर सत्य शोधन यात्रा का शानदार प्रारंभ किया गया है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चे के महाराष्ट्र में स्थानिक निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के माननीय कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से राज्य सरकार ने टाइम पास किया है, जिस कारण कोर्ट ने चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने का चुनाव आयोग को निर्देश दिया है, इन तमाम कारणों से ओबीसी का स्थानिक निकायों से आरक्षण फिलहाल समाप्त हुआ। इसके विरोध में व सरकार के तमाम कारणों को ओबीसी जनता के सामने सत्यता को उजागर करने के लिए सत्य शोधन यात्रा का आयोजन किया गया है। 1 जून से नागपुर से महाराष्ट्र में सत्य शोधन यात्रा की शुरुआत की गई। आज इस यात्रा के तहत बेलतरोड़ी बेसा तथा ओमकार नगर इलाके में जन संवाद किया गया। इस दौरान जनता व कार्यकर्ताओं ने सवाल जवाब दिए। यात्रा का स्वागत स्थानिक नेता नागेश गुप्ते रामेश्वर चिंचो ने इन्होंने किया। यात्रा में ओबीसी राजनीतिक आरक्षण पंचायत कानून के तहत जनता को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। साथ ही ओबीसी आरक्षण की कश्मकश व गुत्थी क्या है, कोर्ट के फैसले क्या है व सरकार की ओर से किया जा रहा ये टाइम पास व अज्ञानी एक्शन का भंडाफोड़ किया जा रहा है तथा लोगों के सवालों का जवाब भी दिया जा रहा है। इसमें खासकर ओबीसी का आरक्षण पूर्ववत होगा कि नहीं, साथ में आरक्षण का प्रतिशत क्या होगा, इस समय बात करते हुए सत्य शोधन यात्रा के मार्गदर्शन नितिन चौधरी मुख्य संयोजक राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चे ने कहा कि कोर्ट ने उठाए सवाल पर जवाब खोजने की प्रक्रिया राज्य सरकार की निर्मित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बाठिया समिति को खोजना है। इस वजह से तमाम प्रक्रिया को राज्य सरकार की ओर से देरी हो रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कछुआ गति से सभी प्रक्रिया को करने का प्रयास किया, इसी वजह से ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण समाप्त होने का कारण रहा है। इस सत्य शोधन यात्रा में शहर अध्यक्ष नारायण राव चिंचो ने, उपाध्यक्ष धनंजय चिंचखेड़े, युवा अध्यक्ष अमोल तड़खड़े आदि यात्रा में शामिल हुए। राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा ने गत 1 जून से पूरे महाराष्ट्र में और खासकर विदर्भ में एक सत्य शोधन यात्रा हमने शुरू की है। आज हमारा पड़ाव जो है वो खासकर ओंकार नगर, इधर पार्वती नगर, अपने दक्षिण क्षेत्र में और खास करके इधर बेलतरुड़ी में आज हम लोग संवाद कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 1994 में जो घटना बदल हुई थी उसके बुनियाद पर देश में और महाराष्ट्र राज्य में 1994 से जो ओबीसी को स्थानिक निकायों में जो 27% आरक्षण मिल गया था वो गत सालों से उसके ऊपर में खास करके कुछ कारणों की वजह से कोर्ट ने उसके ऊपर में जाम लगा दिया है और उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार के तरफ जो जिम्मेदारी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको ओबीसी को आरक्षण चाहिए और उसको बरकरार रखना है तो ट्रिपल टेस्ट की उन्होंने मांग की थी। पहला ये कहा था कि महाराष्ट्र में ओबीसी जो राजनीतिक पिछड़े है उसकी रिपोर्ट पेश करो, साथ साथ में कितना आरक्षण चाहिए उसकी रिपोर्ट पेश करो, और अंत में उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति और जमाती के साथ में जो ओबीसी का आरक्षण मिलकर जो है वो आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, संजय मीरे, बीसी न्यूज, नागपुर।